अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हनीज वर्ल्ड। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होगी क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रमज़ान के दिनों में मेरी रूटीन क्या है। बेसिकली ये जो मैं वीडियो बनाई थी ना, ये मैंने बनाई थी फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान के लिए, लेकिन तब मैं एडिट नहीं कर पाया और अपलोड नहीं कर पाया और फिर बीच में मैंने और डिफरेंट वीडियोस भी डाली, तो इसलिए आई वाज नॉट एबल टू अपलोड दिस वीडियो। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये वीडियो अपलोड करूं इससे पहले कि रमज़ान ख़त्म हो जाए। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी रमज़ान में रूटीन क्या होती है। दोस्तों मैं जब भी रोज़ा रखती हूँ तो मैं बेसिकली बस वेट कर रही होती हूँ कि बस जल्दी से दिन गुजरे और अफ्तार का टाइम हो, बिकॉज अफ्तार इज़ माय फेवरेट पार्ट। सहरी में तो मामा पराठा बना देती हैं, सो दैट इज़ रियली यमी, लेकिन अफ्तार में जो पकोड़े समोसे वो होता है उनका तो मुकाबला नहीं होता। और अभी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सो आई एम हेल्पिंग माई मामा विद अफ्तार की तैयारियाँ। और अभी यहाँ पर मैं पकौड़ों का ही मिक्सचर तैयार कर रही हूँ मामा से पूछ के कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने डालेंगे। दोस्तों मैं रोज़ा रख के स्कूल चली जाती हूँ, फिर उसके बाद वापस आके मैं यहाँ पे नेबरहुड में जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ बाहर खेलने के लिए चली जाती हूँ, और फिर कोई होमवर्क होता है तो वो कंप्लीट करती हूँ, और फिर आखिर में जब अफ्तार का टाइम करीब होता है, मतलब आधे या एक घंटे पहले, मैं मामा के साथ अफ्तार की तैयारियां करवाती हूँ। सो रमज़ान इज़ माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर गाइस। मुझे रमज़ान में इतना मज़ा आता है ना, और स्पेशली रोज़े जब रखते हैं तो अल्लाह ताला आपको सब्र भी दे देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, रोज़े रखें, इट्स लाइक रियली फन, आई लव रमज़ान। और फिर रमज़ान के बाद जो ईद आती है, मामा से मेहंदी लगाओ, डिफरेंट कपड़े अपने तैयार करके रख लो। मैं क्या करती हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना ईद के लिए कि मैं पहले से ना अपने ईद के कपड़े सारे ना निकाल के हैंग करके रख लेती हूँ कि पहले दिन ये फिर दूसरे दिन ये, और डिफरेंट मैं मामा से मेहंदी डिज़ाइन बनाती लगवाती हूँ। मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ईद के लिए क्या क्या करते हैं। दोस्तों पकोड़ों के मिक्सचर के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए थे। जो बैटर था वो मामा ने तैयार कर दिया था, बस उसमें जो सारे मसाले वगैरह थे वो मैंने ऐड किए थे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स देम। मिक्सिंग इज़ माय फेवरेट पार्ट, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट लाइक द मिक्सिंग पार्ट। तो मैं मामा से हमेशा कहती हूँ कि मिक्स करने से पहले मुझे दे दे, मैं करूँगी। और यहाँ पे हम लोग साथ साथ, हम लोगों ने जुनेजम शेद की कुछ नाते भी लगा रही थी, बिकॉज़ नातों से बहुत अच्छा घर में माहौल हो जाता है। और यहाँ पे मामा साथ साथ फ्रूट चाट भी तैयार कर रही हैं। फ्रूट चाट इज़ माय फेवरेट, मुझे तो इतनी पसंद है कि अगर आप ये पूरा बोल भी मुझे दे देंगे ना, तो ये मैं अकेले ही सारा फिनिश कर लूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई फ्रूट चाट विद यू। और यहाँ पे मामा पकोड़ों के लिए कुछ थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर रही थी। ये देखें दोस्तों, वीडियो में भी पकोड़े इतने यमी लग रहे हैं, मेरा तो बस दिल चाह रहा है कि मैं वीडियो में हाथ डालूं और निकाल के सारे पकोड़े खुद ही खा लूं। और बस हमारा दस्तरखान भी यहाँ पे लग चुका है, जैसे आप देख रहे हैं शरबत, जूस, चना चाट, पकोड़े और खजूर और फ्रूट चाट, सब कुछ है। आई एम सो एक्साइटेड, 5-10 मिनट पहले मेरी ये हालत हो रही होती है। तो बस ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।